water roadmap is very important, and it's one of the foremost priorities of the government of Punjab, and is part of the sustainable development goals that we've signed up to. The roadmap has helped us understand and realize this issue a little more better than we earlier did, and we've worked as a team to improve both water and sanitary conditions over the past 2 years. मेरा नाम सुलेमान आफ्ताब खान है और मैं गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पानी भरने आता हूँ। इस पानी पहले हमें पानी साफ पानी पीने को नहीं मिलता था, तो ये सारा क्रेडिट पीएम पंजाब को जाते हैं, जिनकी वजह से हम काफ़ी बीमारियों से बच गए हैं। मैं यहाँ पे इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के करीब ही मेरी रहायश है, तो हुकूमत पंजाब का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हुकूमत की आ रही है, पानी बहुत अच्छा। पानी पीने का फ़ायदा ये है कि इंसान बीमारियों से बचा रहता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, रोज़ पानी लेके जाते हैं और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है अपने पंजाब का। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं इस गांव जब्बूमेल का रहने वाला हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये वाटर सप्लाई लगी है घर घर में पानी जा रहा है। अब जब से ये पानी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बीमारियों से हमारा छुटकारा हुआ है और हम हुकूमत का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको ये वाटर सप्लाई दी और हमको ये पानी मुहैया हो रहा है। उनके पुत्र असी बड़े खुशहाल हैं, सानू पानी मिलता है, वैसे भी ठीक है, हर बीमारी तो हर जड़ी ना मुश्किल जी आसान होती पी है, हमारे लोग जो बीमार थे वो तंदुरुस्त अब होने शुरू हो गए हैं। जून 2018 तक जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है इसमें हम इंश्योर कर लेंगे कि हम जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ड्रिंकेबल है और पीने के काबिल। ये पंजाब में जो एक ये स्टॉप टैंक का सिस्टम शुरू हुआ है ये काबिले तारीफ है। इसमें महकमों को पहली दफ़ा एक टॉप लेवल पे बुला के पूछा जाता है कि आपके जिम्मे ये काम था, आपने इसको सर अंजाम सही दिया है या गलत दिया है या क्यों नहीं दिया। तो आप महकमे अलर्ट हो गए हैं, वो स्टॉप टैंक से पहले अपने पूरे मामला को देखते हैं, अपनी कमी खामी को दूर करते हैं और महकमों ने अब एफिशिएंसी और सर्विस डिलीवरी बेहतर हुई।